Hi guys, let us start. This is lecture number 22 now. Strategic analysis of income statement. हमारे लिए ये chapter भी काफी छोटा chapter ही था. We will have finished that, I guess, in one lecture itself. तो हम लोग start कर लेते हैं. Now, in this chapter, our purpose is basic one. This is slightly in relation to standard costing. हमको statement बनाना है to find out. हमारा year one का profit ये था. नेक्स्ट ईयर का अपना प्रॉफिट ये था भाई, ये वाला चेंज क्यों हुआ, बस दैट इज ओनली पर्पस. ओके, दीज थिंग्स हेल्प द मैनेजमेंट इन नोइंग कि आर कंपनी इज गोइंग इन व्हाट डायरेक्शन, वेयर इट इज डूइंग गुड, वेयर इट इज डूइंग बैड, व्हाट आर द एरियाज इन विच वी माइट इम्प्रूव एक्सेट्रा. ओके, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा ये वाला स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद खत्म होगा विद प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर. ओके, और बीच में वी आर गोइंग टू बी राइटिंग ऑल द रीजंस कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है भाई क्यों चेंज हुआ, दैट इज व्हाटएवर इज आवर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बी राइटिंग ऑल द रीजंस कि अपना जो प्रॉफिट है वो क्यों चेंज हुआ. अभी व्हाट वी से कि जो भी चेंजेस आए हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेते हैं इंटू थ्री पार्ट्स. ध्यान से सुनना, फर्स्ट ग्रोथ कॉम्पोनेंट. ग्रोथ कॉम्पोनेंट विल बेसिकली टेल यू कि तुम लोगों ने कितने ज्यादा या कम यूनिट्स बेचे इन अ ईयर. सो एवरीथिंग इन रिलेशन टू दैट. ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा चीज है इसका जो फाइनल आंसर होगा ना, दिस इन रियलिटी इज नथिंग बट योर प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस ओनली. दिस योर फाइनल आंसर इज प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. ठीक, ऑल्दो यही चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेनी टाइम्स. मेनी टाइम्स मतलब सुनो, अभी व्हाट डू वी से ग्रोथ कंपोनेंट का ना, आप पार्ट्स करो. पार्ट्स करो मतलब रेवेन्यू पार्ट करो और कॉस्ट पार्ट करो. कॉस्ट पार्ट का भी जितना पार्ट्स कर सकते हो कर लेना, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स. ठीक है, एग्जांपल आप लोग का प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद करो कैसे कैलकुलेट होता था, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. एक तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर स्टैंडर्ड डेटा मतलब ईयर वन का डेटा, और उसके बाद एक्चुअल डेटा मतलब ईयर टू का डेटा. ठीक है, तो जब भी मैंने स्टैंडर्ड बोला मतलब ईयर वन, जब भी मैंने एक्चुअल बोला मतलब ईयर टू. ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस आज तक हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेते थे, कुछ ऐसे, सर कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी सोल्ड माइनस कितना यूनिट्स बेचा. ठीक है, इन टू मल्टीप्लाई कर लेते थे बाई स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट. अब ये जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक बार लिखने के बदले में ना, आप लोग अलग अलग बार लिखो. एक बार स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, और कॉस्ट पर यूनिट का भी अगर बाइफर्केशन है तो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना, मटेरियल लेबर और उसके बाद ओवरहेड वाला कॉस्ट. ठीक है, तो ये वाले का डिस्क्रिप्शन मैंने यहां पे नीचे एग्जैक्टली सेम वे के अंदर दे रखा है. कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ कॉम्पोनेंट, कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. फिर कॉस्ट इफेक्ट के अंदर मटेरियल ब्रैकेट सेम बेटा मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ओवरहेड्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, तो तुम्हारा ग्रोथ कॉम्पोनेंट आ जाएगा. ग्रोथ कॉम्पोनेंट विल टेल यू दैट आर यू सेलिंग मोर यूनिट्स और लेसर यूनिट्स, और उसका नेट रिजल्ट क्या है. तो नेट रिजल्ट ऑफ योर ग्रोथ कॉम्पोनेंट विल ऑलवेज बी इन दिस केस प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस. सो ये वही चीज है, बस हम लोग उसको रेवेन्यू और कॉस्ट वाइज बाइफर्केट कर रहे हैं, और कॉस्ट का हम लोग यहाँ पे इंग्रीडियंट्स भी ला रहे हैं और कुछ नहीं है, बट नेट आंसर तुम्हारा वही आएगा. ठीक है, अभी सेकेंड, तुम्हारा प्रॉफिट हर साल क्यों बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, क्यों, बिकॉज ऑफ रेट्स पार्ट. रेट किधर किधर आ सकता है, सर रेट वाइल सेलिंग प्राइस, सर रेट वाइल परचेजिंग रॉ मटेरियल्स तो मटेरियल प्राइस, सर रेट वाइल पेइंग रेट्स टू द वर्कर्स तो सर वेज रेट, और उसके बाद सर रेट वाइल इनकरिंग ओवरहेड्स तो ओवरहेड्स का रेट. ठीक है, उसके अंदर से फर्स्ट वाला पार्ट प्राइस कंपोनेंट का फर्स्ट पार्ट रेवेन्यू इफेक्ट, ये और कुछ नहीं है, तुम्हारा सेलिंग प्राइस वेरिएंस ही है. तो सेलिंग प्राइस वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. आज तक हम लोग सेलिंग प्राइस वेरिएंस ऐसे ही कंप्यूट किया था, तो ये सेलिंग प्राइस वेरिएंस है, लेकिन इसके बाद फर्क है. याद रखना दिस चैप्टर इज नॉट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है, एग्जैक्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है, थोड़ा बहुत तो अलग है. देखो
तो रेट्स मटेरियल का भी हो सकता है, लेबर का भी, ओवरहेड्स का भी. तो पहले अपने फॉर्मेट बना लो, रिवाइज स्टैंडर्ड एक्चुअल डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट, वो वाले अपने फॉर्मेट्स बना लो. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ऑल ओवरहेड्स विल बी डीम्ड टू बी वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली. ठीक है, तो अपने पहले फॉर्मेट्स बना लो और देखो जरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. अभी एक्चुअल क्वांटिटी के बदले में स्टैंडर्ड क्वांटिटी उठा लेना. एम इज जस्ट टू फाइंड आउट कि अगर रेट बढ़ गया और अगर उतना ही क्वांटिटी होता जितना पिछले साल था तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन रेट. तो यहां पर आउटसाइड आउटसाइड देखो मैंने यहां पे लिखा भी होगा आउटसाइड यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. सेम थिंग फॉर लेबर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर आवर्स. फॉर ओवरहेड्स आल्सो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर आवर्स. जब आप लोग वेरिएंसेस निकालते थे यू टेक एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल लेबर आवर्स बट नाउ यू टेक स्टैंडर्ड. ठीक है, ये तीन चीजें कर लो तुम्हारा ये वाला काम हो जाएगा. और उसके बाद प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट. प्रोडक्टिविटी बोले तो मतलब बेटा एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी तो मटेरियल के अंदर भी आता था, लेबर के अंदर भी आता था, ओवरहेड्स के अंदर भी. बस जरा सोचो सब केसेस के अंदर एफिशिएंसी कैसे कंप्यूट होता था. एग्जांपल मटेरियल, मटेरियल कितना यूज करना चाहिए था माइनस मटेरियल कितना यूज किया. बाहर कैसे मल्टीप्लाई करते थे, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रॉ मटेरियल. अभी स्टैंडर्ड रेट नहीं लेना, एक्चुअल रेट ले लेना. क्यों? तुम्हारा थिंकिंग अब से ये है भाई मेरे को बस ये जानने का है कि बिकॉज ऑफ क्वांटिटी नॉट गेटिंग यूज्ड प्रॉपरली ऑफ रॉ मटेरियल मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितने से चेंज हुआ. याद रखना दिस इज नॉट वेरिएंसेस. वेरिएंसेस कैलकुलेट होता है टू ब्लेम समबडी कि इतना चीज तेरी वजह से हुआ. अभी हम लोग वो नहीं कर रहे. अगर आपका ऑब्जेक्टिव वो है तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर लो. ठीक है, वो अपना लास्ट लेक्चर्स के अंदर हो चुके हैं. नाउ माय एम इज कि भाई रॉ मटेरियल बराबर यूज नहीं किया उसकी वजह से कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा कितना लगा. सो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट ऑफ रॉ मटेरियल. सेम वे लेबर एफिशियंसी कितना आर्स लेना चाहिए था माइनस कितना आर्स लिया इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल रेट. सेम वे ओवर हियर आल्सो स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इनटू एक्चुअल रेट. तो मैंने यहां पर जो प्रोडक्टिविटी है याद रखना उसके लिए सिर्फ कॉस्ट इफेक्ट ही होता है और कुछ इफेक्ट नहीं होता. तो यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर कीजिए. एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल वेज रेट, एक्चुअल ओवरहेड्स पर आर. ठीक है, अच्छा एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं कभी कभी ना, ये वाला जो वेरिएंस, ये वाला जो ग्रोथ कंपोनेंट है ना, वो लोग इसका तुमको दो पार्ट पूछ सकते हैं, मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर. तो उसके लिए प्लीज यू रेफर व्हाट एवर वी ऑल हैव डन. वो एग्जैक्टली सेम ही चीज है जैसे आप लोगों ने प्रॉफिट मार्केट साइज और प्रॉफिट मार्केट शेयर किया था. एग्जैक्टली इन द सेम वे इस चीज का आगे दो पार्ट हो सकता है, प्रॉफिट मार्केट साइज एंड प्रॉफिट मार्केट शेयर. ओके, दिस इज अ इजी चैप्टर, लेकिन इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं दैट वी ऑल हैव डन इन क्लास आल्सो. ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू वॉट एवर वॉज रॉन्गली डन बाय द इंस्टीट्यूट, सो जस्ट बी केयरफुल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल डन. इट वॉज सपोज टू बी अ स्मॉल लेक्चर. तो दे आर थ्री कॉम्पोनेंट्स, ग्रोथ कॉम्पोनेंट, उसके बाद प्राइस या रेट कॉम्पोनेंट, और उसके बाद थर्ड वाला इन दिस केस प्रोडक्टिविटी कॉम्पोनेंट. सब कुछ कर लो तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो टैली हो जाएगा. दीज विल बी द थ्री स्टैंडर्ड पार्ट्स. अनलेस अनटिल सम सेज कि कुछ और करो तो कुछ और कर लेना, वरना दीज विल बी द थ्री स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, चलिए, दिस इज ऑल टुगेदर डन. सो दिस चैप्टर इज ओवर. आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.